सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ भारत बंद के आह्वान पर उज्जैन में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर दुकानों को बंद कराया, जिससे शहर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति के निपटने के लिए उज्जैन में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बुधवार 21 अगस्त की सुबह शहर में बंद का कोई खास असर नहीं दिख रहा था, लेकिन 11:30 बजे के आसपास भीम आर्मी और बीएसपी के समर्थक बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीएसपी के नेता अभय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके समर्थन में बीएसपी ने भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि उज्जैन के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों से स्वेच्छा से बाजार बंद करने की अपील की गई। अभय कुमार ने कहा कि यह आंदोलन केवल भारत बंद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर जो निर्णय आया है वह न्याय संगत नहीं है। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जानकारी दी कि प्रदर्शन के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख बाजारों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती या कानून तोड़ने की घटना सामने नहीं आई है। उज्जैन की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों के सामने जय भीम के नारे लगाए और उन्हें दुकान बंद करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े कई जगहों पर बाजार फिर से खुल गए। इस तरह उज्जैन में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला।